ब्रिटिश को, ब्रिटेन के लोगों को चाहिए था, जिस जो
और जो है रॉ मटेरियल हमारे देश का जो माल था जो उनको चाहिए था कि प्रोडक्शन में यूज हो रहा था तो उसके लिए उन्होंने क्या किया रॉ मटेरियल वगैरह के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी वो बिल्कुल खत्म कर दी। यानी कि यहाँ से जो माल जा रहा है वो सस्ता जा रहा है उनके पास और वहां से जो तैयार माल आ रहा था मशीन से बना हुआ या हाथों से बना हुआ हमारा सामान होता था वो थोड़ा महंगा होता था लेकिन बाहर से ब्रिटेन से जो माल आ रहा था मशीन में डाल रहे थे वो क्या पड़ गई उसके ऊपर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी तो वो सस्ते हो गए। तो जब मार्केट में दो चीजें होंगी मशीन मेड क्या होती है मशीन मेड जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती है थोड़ी सफाई से बनी होती हैं देखने में अट्रैक्टिव होती हैं और सस्ती भी हैं तो लोग क्या करेंगे उस सस्ती वस्तु को ही खरीदेंगे। तो उन्होंने क्या किया हमारा इस तरह से टैक्सेस को कम करके और टैक्सेस को ज्यादा करके हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने। तो उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड जो था हमारा बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट हो गया क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट भी और इम्पोर्ट भी है उससे क्या किया उन्होंने जो यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था उसके ऊपर से टैक्स हटा दिए और जो वहां से आ रहे थे उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी। लेकिन जो यहाँ से हमारे माल बिकने के लिए वहां जा रहा था जिससे इंडिया को इनकम होती जो हैंडीक्राफ्ट थे उनके ऊपर टैक्स क्या कर दिए ज्यादा कर दिए ताकि उनका रेट क्या हो जाए ज्यादा हो जाए और इंडिया को ज्यादा होने की वजह से क्या होगा उनके इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड क्या होगी खत्म हो गई पूरी। तो इस तरह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में और इंटरनेशनल ट्रेड में जो उन्होंने हमारा बिल्कुल ही क्या कर दिया खत्म कर दिया। उसके बाद है हमारा टॉपिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द वेज ऑफ इंडिपेंडेंस। जब आजादी से पहले हमारे जो इंडियन इकोनॉमी थी उसके फीचर्स क्या थे। नंबर 1 स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट क्या होता है स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल जो इंक्रीमेंट होता है जो वृद्धि होती है वो बिल्कुल ना के बराबर थी। जो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी वो बिल्कुल ना के बराबर बढ़ रही थी वो स्टैग्नेंट थी उसे वृद्धि नहीं कह सकते आप। ठीक है तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी उस टाइम में पर कैपिटा इनकम वो बहुत ही लो थी बहुत ज्यादा लो कि बहुत ज्यादा गरीबी थी बहुत इतनी गरीबी की पर कैपिटा इनकम यानी हर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा कम थी जिससे दो टाइम का भोजन भी उनके लिए क्या होता था मुश्किल से उनको मिल पाता था इतनी गरीबी थी। उसके बाद है और स्टैग्नेंट मतलब वृद्धि जो थी बिल्कुल ना के बराबर थी। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी उस टाइम पे थी 0.5 और 0.1 के नियर अबाउट होती थी जो बिल्कुल ना के बराबर थी इसलिए उसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी का नाम दिया गया था। सेकेंड है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी जैसे कि आप स्टैग्नेंट इकोनॉमी है पर कैपिटा इनकम लो है जब पर कैपिटा इनकम लो होती है और व्यक्तियों को दो टाइम के भोजन के लिए शेल्टर के लिए रोटी कपड़ा और मकान हमारी 300 रुपए होती है जब वही एक इकोनॉमी में जितने भी व्यक्ति हैं उनको अगर नहीं मिलती है तो वो इकोनॉमी क्या हो जाती है बैकवर्ड इकोनॉमी हो जाती है। कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी किसी चीज की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी किसी तरह की इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो रही थी इंडिया में तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी बिल्कुल ही बैकवर्ड इकोनॉमी थी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर की हमारी क्या थी बैकवर्डनेस थी जैसे मैंने बताया कि जमीन पहले सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ था गवर्नमेंट जो थी जमींदार से फीस रेंट लेती थी और वो आगे लेबर से वर्क करा के उनका शोषण करते थे जमींदार खुद तो एक बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते थे। तो एग्रीकल्चर में भी कोई नई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी कोई नई मशीन नहीं आ रही थी किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी और वो एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा क्या था बहुत ही बैकवर्डनेस थी वो पिछड़ता जा रहा था और हमारे जो 72% जनरेशन थी वो हमारी एग्रीकल्चर में ही लगी थी और 50% हमारी इन्वॉल्वमेंट जो थी वो क्या थी नेशनल इनकम में थी जीडीपी में जो हमारी इन्वॉल्वमेंट थी एग्रीकल्चर की वो 50% थी लेकिन हमारी जो जनसंख्या थी उसका 72% यानी 72% जो जनरेशन थी वो किस में लगी हुई थी खेती में लगी हुई थी तभी वो दो टाइम की रोटियों के लिए बहुत ही मुश्किल से निकलती थी इसलिए इसको कहा गया एग्रीकल्चर
कोई भी स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही है, तो इकोनॉमी क्या होती है हमारी, अपवर्ड जाने की बजाय क्या हो रही है, डाउनवर्ड आती जा रही है। हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पोर था, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लगे हुए थे, एग्रीकल्चर वर्क में लगे हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, सिर्फ एक रेलवे के लिए, एक पावर के लिए और एक पोर्ट के लिए, जो हमारे पोर्ट थे बंदर था उनको, उनके बनाने के ऊपर थोड़ा ध्यान था, क्योंकि वो क्या था, ब्रिटिश को चाहिए था, क्योंकि बाहर से उनको पोर्ट से माल मंगवाना था, रेलवे के द्वारा उन्होंने उसको इधर उधर भेजना था, और जो बिजली है, पावर सप्लाई है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वर्क हो रहा था, वो जो ब्रिटिश को जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ उसी सेक्टर को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे थोड़ा बहुत, अदरवाइज उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी जो सड़कें थी मोस्टली कच्ची थी उस टाइम पे, कोई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो रहा था, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी, बिल्कुल ही हम हर फील्ड में क्या थे, बैकवर्ड थे। जो हमारे मशीन वगैरह थी वो भी हमारी कहाँ से आती थी, ब्रिटेन से आती थी, जो सिलाई मशीनों की उस टाइम पे बाइसिकल्स होते थे और चीजें होती थी वो भी कहाँ से आती थी, ब्रिटेन से आती थी उस टाइम पे। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही क्या था, पुअर था, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट थे उनके ऊपर हम डिपेंड करते थे सिलाई मशीन के लिए, बाइसिकल्स के लिए और भी जो मशीन या इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं लड़ाई में यूज होने वाले औजार होते हैं वो भी हमारे कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से आते थे, उसके लिए भी हम किसके ऊपर डिपेंड करते थे, इम्पोर्ट के ऊपर। तो जितना भी हमारी डिपेंडेंस थी सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस टाइम पे, वो सारी डिपेंडेंस किसके ऊपर थी, ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटेन से सारा माल क्या होता था, इम्पोर्ट होके आता था। नेक्स्ट है कॉलोनियल इकोनॉमी, उस टाइम पे औपनिवेशिक कॉलोनियल इकोनॉमी थी, हम लोग उस टाइम पे ब्रिटिश हमारा क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और इंटरनेशनल ट्रेड में था हमारा। तो उस टाइम पे कॉलोनियल इकोनॉमी क्या थी, हमारे देश में चल रही थी, हमारा शोषण हो रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हो रहा था। नेक्स्ट है लिमिटेड अर्बनाइजेशन, लिमिटेड अर्बनाइजेशन जो लोग थे किसने कहा, एग्रीकल्चर वर्क में लगे हुए थे, एग्रीकल्चर वर्क में होने की वजह से वो लोग कहाँ रहते थे, रूरल एरियाज में रहते थे, अर्बन एरियाज में नहीं रहते थे। सिर्फ 14% जो जनरेशन थी वो हमारी अर्बन एरिया में रहती थी, ओनली 14%, 86% जो जनरेशन थी वो हमारी कहाँ रहती थी, रूरल एरियाज में। और वो एग्रीकल्चर वर्क में ही क्या रहती थी, इन्वॉल्व रहती थी, और अर्बन एरियाज में जाके कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ना तो इंडस्ट्रीज थी ना कोई बिजनेस थी उस टाइम पे, तो उसकी वजह से अर्बन एरियाज में कोई भी जाना नहीं चाहता था, सभी कहाँ रहते थे, एग्रीकल्चर वर्क में इन्वॉल्व रहते थे और रूरल एरिया में रहना ही क्या करते थे, पसंद करते थे। तो इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी सभी फील्ड्स में क्या थी, बैकवर्ड थी, और उसी बैकवर्डनेस के अकॉर्डिंग इतनी मुश्किल से उनका गुजारा होता था कि उनको दो टाइम का खाना भी क्या होता था, मुश्किल से मिल पाता था, बिल्कुल ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। तो ये हमारा टॉपिक था, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें तीन ही पॉइंट थे आपका, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद हमने किया है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमने आजादी प्राप्त की तब प्राप्त करने से पहले इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे, विशेषताएं क्या थी, उसकी विशेषताएं थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट था, कॉलोनियल इकोनॉमी थी और लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, उसके अकॉर्डिंग